ओके मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। आईडी कार्ड है और इस तरह के दीगर कई कार्ड्स यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। क्या अहमियत है इनकी और इस तरह मस्जिद में मनाकिद किया जाना कैसा है? अस्सलाम वालेकुम, हम आज मस्जिद ताहा में हैं जहाँ पर एक कैंप लगा हुआ है और बहुत सारी सहूलियत यहाँ के मेंबरान ने मुहैया की हुई हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी सहूलियत हैं, वोटर आईडी, आधार कार्ड और बहुत सारी सहूलियत हैं। आजकल आप सबको पता है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम सब बहुत बिजी हुए हैं, अपना स्केड्यूल इतना बिजी हुआ कि हम ऑफिस तक नहीं जा सकते। तो ऐसी रिहाइश गाँवों पर जहाँ लोग बआसानी आकर अपने शनाख्ती कार्ड को बनवा सकते हैं, इसकी सहूलियात मस्जिद में मस्जिद ताहा में मुहैया की गई हैं। तो ऐसी सहूलियात सब जगह होनी चाहिए ताकि सब बआसानी से आके इन तमाम सहूलियत का फ़ायदा उठा सकें। और आप सब जानते हैं कि इन शनाख्ती कार्डों की हमें कितनी ज़रूरत है और इलेक्शन भी आने वाले हैं। तो मैं सबसे गुजारिश करती हूँ कि सब इस सहूलियत का सब फ़ायदा उठाएँ और अपने शनाख्ती कार्ड्स बनवाएं। हो सी अंजू मती करे मसद इतरा बंदीदी आईडी कार्ड मार सके कोई रास्ता है या हां इधर चार्जेस कौन दे रहा है या नहीं ला फ्री आगे मार सके पर है नंदिनी दिल्ली में जीवन वासी मोहन पनागर मती करे सर ने ये बहुत ही अहम तरीन कामों में से एक काम है। क्या अहमियत है इस वोटर आईडी कार्ड की, हेल्थ कार्ड की, मुख्तलिफ कार्ड्स यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, किसके सपोर्ट के साथ आप ये सब कर रहे हैं, क्या मकसद बताइए? जमात इस्लामी हिंद और लाइफ टाइम फाउंडेशन उन्होंने बहुत दिन से बातचीत में थे, हमें हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा था, मजीता मैनेजमेंट कमेटी और हमारा बैतुल माल कमेटी और नौजवान कमेटी से हम डिस्कशन करके जो हर बार स्पेशली ये जोन में जो है वोटर आईडी कार्ड का इश्यू बहुत नामा निकल जाते हैं और इलेक्शन का दिन हमारा नामा नहीं कर को अफसोस ही कर गई समय बहुत बार खुद हमें देखी उसके वास्ते कैंप करना और हमें मजीता मैनेजमेंट कमेटी डिसाइड करे। आज जमात इस्लामी हिंद और ये फाउंडेशन से मुझे ये था कि इसमें आज सेलर में जो है अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड रिस्पांस, पूरे हमारे साथियाँ बैतुल माल और हमारी मैनेजमेंट कमेटी पूरे लोगों ने माशाल्लाह साथ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से आप देख रहे हैं करोड़ डॉक्यूमेंटेशन बहुत करेक्शन अब तक का तकरीबन 350 से 400 डॉक्यूमेंट्स करेक्शन हो गए हैं, वोटर आई डी कार्ड्स हो चुके हैं, आयुष हेल्थ कार्ड का काम चल रहा है और आयुष कार्ड का जो बनने के लिए मुनासिब छोटा अमाउंट है वो भी हम बैतुल माल से इंशाल्लाह वो भी इंतज़ाम कर रहे हैं। कितने कार्ड आए हैं देख ले को इंशाल्लाह बैतुल माल से करके इंतज़ाम कर रहे हैं। लास्ट टाइम मेडिकल कैंप किए वैसा ही ये काम भी बहुत पेंडिंग था कि बोले से इलेक्शन नोटिफिकेशन हो जाने से हम वोटर आई डी कार्ड ये सब डॉक्यूमेंटेशन कर नहीं सकते, उसलिए आज टाइट शेड्यूल में आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे था आके इसमें आज ये प्रोग्राम बहुत कामयाबी हुआ। जो ये कामयाबी के लिए मेन जमात इस्लामी और फाउंडेशन को मैं कमेटी की तरफ से और बैतुल माल की तरफ से नौजवान कमेटी से मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ और स्पेशली हमारे पूरे ऑफिस बेरर्स और हमारे कमेटी मेंबर्स का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, हमारे बैतुल माल का भी शुक्रगुजार हूँ, नौजवानों का भी शुक्रगुजार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से लगातार इधर इन्वॉल्व हैं और उनका जो हम कैंप जो करें उनको खाने का भी इंतज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह इधर किए पूरे हमारे साथियाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी 5 बजे तक का टाइम दी मैं ये करोड़ देखे तो 5 तक का ख़त्म नहीं होता, इंशाल्लाह अभी एक्सटेंड होगा आपके सामने।
फरमा ये चीज़ के यहाँ पर सिर्फ मस्जिद में सिर्फ मुस्लिम नहीं गैर मुस्लिम लोग भी आ रहे हैं अपने कार्ड्स बनाने के लिए, ये पैगाम भी था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। हम गुलिस्ता एक 4-5 साल से ये अवेयरनेस करते आ रहे हैं कि 26 जनवरी में हेल्थ कैंप भी किए बनाए थे और इस आज इतवार के दिन 11 तारीख वोटर आई डी और आधार कार्ड इसका हेल्थ कैंप ये डॉक्यूमेंटेशन कैंप ऑर्गेनाइज करके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लाम और लाइफलाइन इनके हमारे इसमें इनका कैंप हम ये करके सभी हमारे लोग और गैर कौमों को भी ये आधार कार्ड पैन कार्ड वोटर आई डी उनका नाम गलत हो और स्पेलिंग्स जैसा करेक्शन रहा वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सवेरे से 10:30 बजे से लगातार ये काम चल रहा है। इंशाल्लाह आगे भी इस कामों में हम बढ़ चढ़ के करेंगे। ख़ासकर हमारे मुसलमानों में बहुत ये है डॉक्यूमेंटेशन के बारे में थोड़ा भी उनके पास ये नहीं रहता, जागरूक नहीं रहते वक्त पे। उनके पास आधार कार्ड में एक नाम रहता, वोटर आई डी में नहीं रहता। आइन टाइम पर कई अभी मोहल्ले में हमारे बहुत से लोग हैं, हम गुलिस्ता एक हफ्ते से अनाउंस कर लेके आ रहे हैं हमारे मस्जिद में 11 तारीख को ऐसा डॉक्यूमेंटेशन का कैम्प बना के है, आके आपका जो भी वोटर आई डी है आधार कार्ड है सभी सही कर लो करके। एक एक घर में 25-25 लोग वोट होता है, वोटिंग में आके बमड़ी करते हैं, ये हमारा नहीं है, हमारा ये नहीं है, हमारा नाम नहीं आया, हमारा वोटर आई डी नहीं है करके। अभी आके सही कर लोगे तो कोई नहीं आए, ऐसा होता है हमारे वक्त पे नहीं आते। तो अभी भी आ रहे हैं लोग, अभी भी बहुत लोग हमारे मोहल्ले के नहीं हैं, दूसरे मोहल्ले से आ रहे हैं। यानी कि हमारा है मत्ती करे SBM कॉलोनी, ये बाहर यानी कि बी के नगर, मोहन कुमार नगर, यशवंतपुर से आ रहे हैं सभी लोग अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं। हमारे मोहल्ले के लोग नहीं आ रहे, यानी कि मत्ती करे SBM कॉलोनी से बहुत से लोग का नहीं है। मुस्लिम गैर मुस्लिम सबको भी हम बना रहे हैं, यानी कि हम पक्षभेद यानी कि जात भेद क्या भी नहीं कर रहे हैं, सभी का भी बना रहे हैं, सबको भी हम कोऑपरेट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। से आगे भी ऐसा खैर कामों में हम बढ़ चढ़ के काम करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। फिर से पूरी बात बोलिए कि क्या कैंप जो मुनक्किद किया गया है बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है, लोग अच्छी तरह से आ रहे हैं और लोगों से भी हमारे महल्ले वालों से भी अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के यहाँ पर इन्वॉल्व करें। यहाँ पर मुस्लिम भी आ रहे हैं गैर मुस्लिम भी आ रहे हैं, ऐसा बोलिए बोलिए। हम ये ऑर्गेनाइज करके हैं, इस कैंप में मुसलमान हिंदू सब लोग आ रहे हैं, सबको भी हम कोऑपरेट कर रहे हैं। अभी आगे भी और भी अच्छा ये करेंगे इंशाल्लाह, इसको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अभी भी लोग आ रहे हैं, अभी 4:30 बजे बजने को आ रहा है, 5 बजे तक कैंप है, अभी भी लोग आ रहे हैं, अभी ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी पे आ रहे हैं और हमारे लोग हमारे एरिया के लोग भी हम अपील कर रहे हैं उनको आके जल्दी से जल्द आपका डॉक्यूमेंट सही कर लीजिए करके। अस्सलाम वालेकुम। मस्जिद में ये प्रोग्राम चल रहे हैं और ये कार्ड्स की अहमियत के मुताबिक और ख़ासकर अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, इलेक्शंस के पेश नज़र जो है इलेक्शन आईडी कार्ड जो वोटर आईडी कार्ड है उसकी भी बहुत ज़्यादा अहमियत है, तो कैसे देखते हैं इस तरह के कैंप्स मुनक्किद किए जाने चाहिए? हर सिटीज़न जो 18 का है, हर सिटीज़न जो 18 का है उसका वोटिंग राइट है। अगर उसको वोट डालना है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में वोटर एनरोलमेंट होना चाहिए, ज़रूरी है और इसके लिए एक प्रोसेस है और इलेक्शन कमीशन अपने तौर पे अपने वक्त पे करती है कैंप्स, बट इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कौम की, कम्युनिटीज़ की, सोसाइटीज़ की, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस की, मोहल्ले की, कि वो अपने लोगों का कार्ड बनाए और ख़ास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी में बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेके अपने नाम करेक्ट करवाएं, क्योंकि एक एक डॉक्यूमेंट में एक एक नाम रहता है, तो डॉक्यूमेंटेशन करवा लें, वोटर में नाम दर्ज करवा लें, ये बहुत ही अहम ज़रूरत है, क्योंकि वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहने पे आप वोट नहीं डाल सकते। ये मस्जिद में जो है, ये मस्जिद के अहाते में जो है इस तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं जहाँ पर गैर मुस्लिम भी यहाँ पर आ रहे हैं अपने कार्ड्स वगैरह बनवाने के लिए।
तो ये एक अच्छी पहल है कि मसाजिद को जो है मरकज बनाया गया और यहाँ पर इस तरह के कैंप्स और कई एनजीओ जमात इस्लामी आई है, यहाँ पर लाइफलाइन फाउंडेशन आई है, ये सब मिल करके जो है ये काम कर रहे हैं। काफ़ी एनजीओ इसमें जुड़े हुए हैं, ख़ासतौर से नवम्बर के महीने में प्रोजेक्ट स्माइल के काफ़ी वॉलंटियर्स इसमें काम किए, जुहा ट्रस्ट के काम किए, लाइफलाइन के तभी से लेके अभी तक लगातार काम कर रहे हैं इसमें। इसके अलावा मिली काउंसिल और मस्जिद वन मूवमेंट के वॉलंटियर्स इंडिविजुअल्स भी जुड़े हुए हैं, जमात इस्लामी के सॉलिडारिटी यूथ इसमें लगे हुए हैं, तबलीग जमात के कुछ साथी इसमें लगे हुए हैं जमात उलमा के, तो हर लोग इवन सुनी जमात के लोग भी इसमें लगे हुए हैं, तो कर रहे हैं। एक कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट चाहिए, हज़ारों वॉलंटियर्स भी अगर काम करें तो ये काम कम्प्लीटली मुकम्मल नहीं होगा, क्योंकि हमारा तजुर्बा है कि 3 महीनों में तकरीबन 40 वॉलंटियर्स रखते हुए हम सिर्फ बेंगलोर के हत्ते में 15,000 कर पाए, अभी 20-25,000 हो गए होंगे, बट 2 महीने के वफा में हम सिर्फ 15,000 कर पाए। इस काम को और बढ़ाना है, लोकलाइज वॉलंटियर्स को ट्रेन करना है ताकि अपने मोहल्ले का काम वो खुद कर सके। और इसके पेश नज़र और एक ये है कि रमज़ान भी आने वाला है, गर्मी भी है, तो इस महीने में फरवरी में मैक्सिमम अगर कर लें तो अच्छा रहेगा। ऐसे पहल हुए हैं, 2 दिन कल व्हाइटफील्ड में कैंप था, होस्कोटे में के लोग ऑर्गेनाइज हुए हैं, नीलसंदर में बहुत से कैंप्स हुए हैं, सिद्धापुर में हुए हैं, मोमिनपुरा में हुए हैं, चंद्रा लेआउट में हुए हैं, तो काफ़ी जगह हो रहा है, काफ़ी जगह टच भी नहीं कर किए हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि लोग वहां के लोग, मस्जिद के लोग या उस मोहल्ले के लोग जहां चाहते हैं कि उनके उनके अड़ोस पड़ोस के लोगों का वोटर आईडी कार्ड बने, वो हमारे हमसे राबिता कायम करें, हम वॉलंटियर्स भेजेंगे और उनके लोकल्स को भी ट्रेन करेंगे। ये जो कैंप्स हो रहे हैं मसाजिद में खासकर, तो यहाँ पर मुसलमान भी आ रहे हैं और दीगर कम्युनिटीज़ के लोग भी आ रहे हैं? इट इज़ ओपन फॉर ऑल, सब आएंगे। मस्जिद में करने से, ऐलानात करने से एक 50% 60% लोग आ जाते हैं। एक और पहल है कि हम खुद उनके घर तक जाएं, बाज़ारों में जाएं, ये कैंप्स को कहीं पे भी लगा सकते हैं आप, इसमें कोई रोक टोक नहीं है कि यहीं करना है, ये छिपके करने वाला काम नहीं है। इलेक्शन कमीशन भी चाहता है कि सारे बाशिंदों को जो इंडियन सिटीज़न हैं, जो 18 साल के हैं, वो रजिस्टर हों, तो उनका काम हम कर रहे हैं, उसमें हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इट इज़ एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इट इज़ योर राइट, एंड देर इज़ नथिंग टू हाइड, यू हैव टू बी वेरी ओपन अबाउट इट, और बढ़ चढ़ के खुल के इस काम को बाज़ारों में, रिलीजियस प्लेसों में, घर घर जाके, जैसे भी स्कूलों में, जहाँ पे भी चाहें जाके करें, बट करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमात इस्लामी हसनपुर से सैयद मोइनुद्दीन बात कर रहा हूँ। ये हमारा डॉक्यूमेंटेशन स्कैम लगभग 1 साल से शुरू हुआ है, छोटे धीरे धीरे लाइब्रेरी से शुरू हुए थे, अभी अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदों के तंजीमों से मिलके, मस्जिदों की कमेटी से मिलके, ये तकरीबन 2 महीने से हर वीक जो है ना, हर हफ्ता इतवार कैंप्स कर रहे हैं। और पिछले वीक आके जामिया मस्जिद में भी हुए थे, इस बार मस्जिद ताहा के कमेटी वालों ने कैंप ऑर्गेनाइज़ किया था, हम लोगों को बुलाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से आज आधार कार्ड का काम चल रहा है, करेक्शंस का, न्यू इलेक्शन आईडी कार्ड का करेक्शन ऑफ आईडी कार्ड्स, पैन कार्ड का करेक्शंस का काम चल रहा है, और सीनियर सिटीजनशिप का काम चल रहा है, आयुष्मान हेल्थ कार्ड का काम चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये कैंप करने का मकसद हमारा ये है कि हमारी कम्युनिटी के अंदर अवेयरनेस पैदा करने के लिए और डॉक्यूमेंटेशन को वेरीफिकेशन और करेक्शंस करवाने के लिए ये कैंप हम लोग करते आ रहे हैं, इंशाल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे। और ये सारे मस्जिदों से भी हम लोगों को बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है, सारे मस्जिदों में इंतजाम भी बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों को मिल रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा इसी तरीके से सारे मस्जिद वाले कमेटी मिलकर इस तरीके के कैंप्स अक्सर करते रहेंगे तो बहुत बड़ा इंशाल्लाह बदलाव आएगा और हर घर में बदलाव आएगा, हर घर वालों को मैसेज पहुँचा था कि हमारे डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट है, इसको करेक्शन करवाना है। तो आज के हाल में
बहुत सारे मुसलमानों के डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं है, आधार में एक नाम है, पैन कार्ड में एक नाम है, इलेक्शन आईडी कार्ड में एक नाम है, इसकी वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ रही है। इनको माइनॉरिटी से जितने फंड्स आते हैं ये नहीं मिल पाता है, वजह क्या है, डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं होने की वजह से। तो मस्जिद और तो मस्जिद ताहा की कम्युनिटी ने मिलकर ये आज कैंप किया है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम किए हैं। तो इसी तरीके से हर मस्जिदों से गुजारिश करता हूँ कि इसी तरीके का काम हर मोहल्ले में, हर एरिया में ये कैंप्स लगाते रहें, अवेयरनेस पैदा करते रहें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम जनाब, हर एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे जो मेंशन किया गया है, चाहे वो पैन कार्ड हो या वोटर आईडी हो, चाहे आधार कार्ड हो या पासपोर्ट हो, हर डॉक्यूमेंट का उसका अलग ही उसकी हर जगह अलग अलग जगह उसकी ज़रूरत पड़ती है। हालांकि डॉक्यूमेंट्स तो मामूली ही हैं, लेकिन लोग इतनी इसमें लापरवाही बरतते हैं, जब इसकी ज़रूरत होती है इनके पास सही डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। जैसे देख लीजिए पैन कार्ड, छोटी सी मिसाल पैन कार्ड, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपके बैंक खाते हर महीने दो महीने में फ्रीज कर दिए जाते हैं। अगर आपके पास इलेक्शन आईडी कार्ड नहीं है तो आपको वोट डालने नहीं दिया जाता है। तो ये बेदारी हमारे, ऐसा नहीं कह सकते कि बेदारी ही नहीं थी, लेकिन बेदारी बहुत कम थी। और बिलखुसूस जो हमारा निचला तबका है या मिडिल क्लास का तबका है, ये लोग इसको बहुत ही लाइट लेके, बहुत ही मामूली समझ करके इसको नज़रअंदाज करते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी हिंद, द लाइफलाइन फाउंडेशन और मस्जिद ताहा की भी ये फिक्र थी कि हमारे कौम के कम्युनिटी के हजरात जो इसमें लापरवाही इसमें बरत रहे हैं, इसमें जागरूक हों, इसमें इनका जो है इनका ख्याल इसमें आए, और सब डॉक्यूमेंट्स जो है इस तरतीब वारी सब डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो या डॉक्यूमेंट नहीं हो या कोई भी वालिद का नाम उसमें गलत है या ख़ुद का नाम स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, तो उसको करेक्शन करने के लिए और नए तरीके से बनाने के लिए ये काम का एहतमाम किया गया।